नाद फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहदिल से स्वागत करता हूँ। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। अतृणे पतितो बन्नहि स्वयमेवो पशाम्यति अक्षमावान परम दोषै रात्मानं चैव योजयेत्। अर्थ है, जैसे तिनकों से रहित भूमि पर पड़ी आग स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही क्षमाशील व्यक्ति पर क्रोध करने वाले का क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। इसके विपरीत जो क्षमाशील नहीं है वह अनेक त्रुटियों से अपने आप को भरपूर कर लेता है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। अर्थ है, अपच के समय पानी पीना दवाई का कार्य करता है, भोजन पचने के बाद पिया हुआ जल शक्ति देता है, और भोजन के मध्य में पानी अमृत का कार्य करता है, परंतु भोजन के अंत में जलपान विष के समान हानिकारक होता है। शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तिन्हीं बिलोकति हानि। अर्थात, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे क्षुद्र और पापमय होते हैं, दरअसल उनका तो दर्शन भी उचित नहीं होता। तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजत चहूँ और वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। अर्थात, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं, किसी को भी बस में करने का ये एक महामंत्र है। इसलिए हर मानव को चाहिए कि वे कठोर वचन त्याग कर मीठा बोलने का प्रयास करें। सहज सुहृद गुरु स्वामी सीख जो न करई सिरमानी सो पछिताई अघाई उर अवसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह हृदय में खूब पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। फूलों की सुगंध सज्जनों केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती जाती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे मित्र हैं।